स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन एन सीईआर टी पोयम ऑन किलिंग ए ट्री दिस पोयम इज कंपोज बाई गिवे पटेल जीव पटेल बॉर्न 1940, इज एन इंडियन पोएट प्ले राइट पेंटर एज वेल एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बेस्ड ऑन मुंबई इस पोयम में पोयट ने पेड़ों की कटान के बारे में पेड़ों की कटाई के बारे में एक व्यंग किया है और बताया है कि पेड़ों को अगर आपको काटना है तो उसके पूरे जड़ सहित काटिए नहीं तो फिर वो उग जाएगा तो कवि की मनशा यहां पे पेड़ों को बचाने की है पेड़ों को कटवाने की नहीं है इट टेक्स मच टाइम टू किल की ट्री नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रफ्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रसाइड sprouting leaves. तो कभी यहां पे कह रहा है कि बहुत समय लगता है किसी पेड़ को काटने में यह किसी नाइफ का जैब नहीं है कि एक बार में नाइफ से हम काटे तो कट जाए क्योंकि पेड़ पृथ्वी के अंदर कंज्यूम रहती है जड़ें इसकी और वहां से अपना खाने का सामान पानी मिनरल वगैरह पाती हैं इस इसके क्रस्ट से यानी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कई वर्षों तक सनलाइट एयर वाटर मिलता है और लेपर साइड मिलती है यानी रंगहीन कलर मिलता है एंड स्प्राउटिंग लीव्स और जो पत्ते होते हैं वो कई वर्षों में विकसित हो जाते हैं सो हैक एंड चॉप बट दिस एलोन वोंट डू इट नॉट सो मच पेन विल डू इट द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड तो कवि कह रहा है कि ठीक है इसको हैक करो चॉप करो यानी पीसेस में काटो लेकिन ये अकेले नहीं हो सकता बिना दर्द के नहीं हो सकता जब हम बार्क जब हम काटते हैं तो बार्क में से कुछ लिक्विड निकलता है तो कभी ने उसकी तुलना ब्लड से की है खून से की है विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विक्स मिनिएचर बो विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन फार्मर साइज यानी इसे कायदे से काटो नहीं तो इसके मिनिएचर बहुत छोटे छोटे इसकी टहनियां फिर निकल जाएंगी और दोबारा यह पेड़ बड़े साइज में हो जाएगा नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज टू बी रूप्ड रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट आर पुल्ड आउट इंटायरली एंड फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर इयर्स इन साइड द अर्थ यहां पर कभी फिर कह रहा है कि जो अर्थ है उसको एंकरिंग करती है यानी उसको पकड़ के कस के रखी रहती है पेड़ को टाइटली इसलिए स्नैप डाउट करने के लिए उसको निकालने के लिए पूरी तरह से जड़ को पृथ्वी के अंदर से निकालना चाहिए क्योंकि पृथ्वी की गुफा यानी गुफा का सेंस यहां पे है कि जो जड़ें होती हैं पृथ्वी के अंदर तक जाती हैं तो इसमें कवि ने उसे गुफा लिखा है और इस तरह से पेड़ पूरी शक्ति से खींच करके जब निकालेंगे सफेद और गीला जो सेंसिटिव हिडन पार्ट निकलेगा क्योंकि ये कई वर्षों से पृथ्वी के अंदर मजबूती के साथ पृथ्वी को पकड़ी हुई थी जड़ें देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चौकिंग इन सन एंड एयर ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग विथरिंग एंड देन इट इज डन इसके बाद पेड़ जब जड़ से उखड़ जाएगा तो सन में सूखेगा उसको एयर लगेगी इससे कलर फेड होगा ब्राउन हो जाएगा हार्डनिंग हो जाएगा थोड़ा कठोर हो जाएगा ट्विस्टिंग हो जाएगा थोड़ा मुड़ जाएगा विदरिंग होगा मुरझा जाएगा इसके बाद पेड़ कटा हुआ मान लिया जाएगा तो बच्चों इस पोयम में तुमने देखा कि कवि ने पेड़ों को काटने का एक मानवीकरण किया है कि जैसे हमें दर्द होता है चोट लगने से उस तरह पेड़ों को भी काटने से उसमें ब्लीडिंग होती है उनको भी दर्द होता है तो कवि का संदेश साफ है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें बचाना चाहिए हमें पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए पेड़ों को कटने से काटने से बचाना चाहिए तो आप ये लेसन पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है और वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे